है क्या होता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं टेंस के अनुसार, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करते हैं डैश डैश डैश, यहाँ पर अदर वर्ड्स आते हैं, लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई लगाकर राइट कर देते हैं। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। डिड राम प्ले द क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेला, क्या राम क्रिकेट खेला, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या राम क्रिकेट खेला, यहाँ खेलने का प्रभाव क्रिकेट पर है, तो द क्रिकेट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले ला देते हैं द ऑब्जेक्ट, द क्रिकेट हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब राम के अनुसार यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार, द क्रिकेट एक खेल है। अब हम चलेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर होता है, लेकिन यहाँ पे द क्रिकेट हमारा सिमिलर है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। यहाँ से क्या समझ में आता है कि जैसे टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर राइट करते हैं। बाई राम नाउन है, प्रोनाउन चेंज होता है, नाउन चेंज नहीं होता है, तो नाउन को वैसे का वैसे राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है वाई हैड यू संग ए सॉन्ग, आप एक गाना कब गाए थे, आप एक गाना कब गाए थे, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें चलना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है। हैड बीन एक्टिव वॉइस में हैड होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैड बीन होता है। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस, और प्लस पॉइंट ये है कि जैसे टेंस के सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड्स शुरू में है, वैसे पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स शुरू में राइट कर देंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, गाने का प्रभाव असंग पर असंग ला देंगे। अब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, एक ऑब्जेक्ट के पहले एक ऑब्जेक्ट के बाद। एक्टिव वॉइस में हैड होता है, पैसिव वॉइस में हैड बीन होता है, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो। ये थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को राइट कर दो बाई, और यदि कोई प्रोनाउन होता तो वो चेंज होता, यू एक ऐसा प्रोनाउन हो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद है ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्रों को लिखता है। यहाँ पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है। तो अब हमें चलना होगा कि पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहता है। तो अब हम आप क्या करेंगे कि अफर्मेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में बनाएंगे। लेटर्स, लेटर्स को पहले ला देंगे, ये लेटर एक्स के ज़्यादा की बात करें, सिंगुलर के साथ इच, बहुवचन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का, आई के साथ एम का, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुवचन का है इसलिए यहाँ पर आर लगाएंगे। राइट्स यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म राइट करते हैं, रिटर्न। उसके बाद बाई, ही तो सब्जेक्ट में ही है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो वहाँ ही बन जाएगा, क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद हमारा है सेकेंड, ही डज नॉट लर्न अ लेसन, वह ही एक पाठ याद नहीं करता है, ये हमारे सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में ही बदले चेंज करेंगे। हमारा रूल्स क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले, लर्न करने का प्रभाव किससे पर, अलेसन, अलेसन को पहले ला देंगे। अब एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, एक ही पार्ट है इसलिए इज यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव भी है तो नॉट का यूज करेंगे, और लर्न का मीन्स होता है याद करना, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न, लर्न तो हो जाएगा। उसके बाद बाई,
अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, हिम। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस का। सीरीज किसी टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि किसी भी टेंस को, किसी भी फॉर्मेट को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव लेकर किए हैं। इसके बाद हम और भी